Assalamu alaikum, dear students. I am Noor Muhammad, your English teacher, and this is our fourth and hopefully last lecture on the translation of the short story from Mother with Love written by Zoe Barn. And the, the last line which I read out during my last lecture was the one given at the bottom of this page, not even at the funeral. Janazi nahī. दिस एक्चुअली रेफर्स टू द लाइन देट इज रिटन अ फ्यू लाइन्स अबव शी नेवर क्राइड अगेन मिनटा जब रो रही थी तो उसकी माँ ने उसे चुप कराया और फिर उसके बाद वो कभी नहीं रोई नॉट इवन वेन एम्बुलेंस कैम अ वीक लेटर टू टैक हर मदर टू द हॉस्पिटल वो सोप भी नहीं रही जब एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल को ले जाने के लिए उसकी माँ को एम्बुलेंस आई नॉट इवन वेन शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर्स हाई वाइट हॉस्पिटल बेड वो उस वक्त भी नहीं रोई जब वो अपनी माँ के सफेद ऊंचे बेड के साथ हस्पताल में खड़ी थी होल्डिंग हर हैंड टाइटली और वो अपनी अम्मी का हाथ मजबूती के साथ पकड़े हुए थे फोर्सिंग हर सेल्फ और वो अपने आप को मजबूर कर रही थी यानी मिनटा अपने आप को टू चैटर के वो तेज तेज बातें करें इधर उधर की पटर पटर बातें करें ऑफ इनकन्सिक्वेंशियल थिंग्स गैर जरूरी चीजों के बारे में लाजानी बात चीजों के बारे में सिर्फ अमी का हौसला बढ़ाने के लिए बी श्योर दैट योर फादर टैक्स इस विटामिन फेल्स ध्यान रखना यकीन रखना इस बात को यकीनी बनाना कि तुम्हारे अबू वो विटामिन की गोलियां लेते रहे वॉन्ट यू मिंटा अच्छा मिंटा तुम ऐसा करोगी ना ही इज़ सो केयरलेस वो इतने लापरवाह हैं अनलैस आई एम देर जब तक मैं खुद मौजूद ना हूँ टू की पेन आई हिम उन पर नजर रखने के लिए मिन्टा की माँ मिन्टा को कह रही है अलवाच हिम लाइक अ बी गर्व मिट्टा फ्राम इस लाइटली मिट्टा ने आहिस्गी से वायदा किया अपनी मी के साथ क्या अलवाच हिम लाइक अ बी गर्व अमी बेफिक्र मैं उनको बी गल की तरह एक शिकारी कुत्ता होता है जो शिकार पे बड़ी फोकस्ड अंदाज में निगाह रखते है इधर उधर देखता तक नहीं मिली आई वॉच हिम लाइक अ बीगल मैं उन्हें बीगल की तरह उन उनपे निगाह रखूंगी इज बीगल लेट मी शो यू दिस दैट्स बीगल लुक एट द वे इट्स लुकिंग एट सम थिंग्स विद सच फोकस एंड लुक एट दिस वन यू नो दैट्स बीगल एंड लुक एट द वे इट इज लुकिंग ऑन इट्स प्रे इज देयर इन फ्रंट ऑफ इट सो सो फोकस्ड पी को अम्मी बेफिक्रे मैं जो ना बीगल की तरह अपने बू पे नगा रखूंगी मिन्टा ने, ने आहिस्तगी के साथ अम्मी से वादा किया नाउ यू बिहेव योर सेल्फ और अम्मी आप प्लीज आप सुधर जाए एंड गेट आउट ऑफ हियर इन अरी और यहां से अस्पताल में जल्दी अस्पताल से जल्दी जल्दी निकलें प्लीज यू हियर आप सुन रही हैं ना ये आखिरी बातें थी यो मिंटा ने अपनी माँ से की नॉट यून एट तफ्यून रो जनाजे पर भी नहीं इस लाइन का तल्लक है द अदर लाइन दैट्स देयर शी नेवर क्राइड वो कभी नहीं रोई और वो उस वक्त भी नहीं रोई जब उसकी माँ का जनाजा था दैट्स द नेक्स्ट ओके अपने जनाजे की मा, माँ के जनाजे के वक्त भी नहीं रोई द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम एंड वेंट दोस्त आए रिश्तेदार आए और गए एंड इट वॉज एज इफ स्टोड ऑन द साइड लाइन और ऐसा लगता था कि जैसे वो किनारों पर खड़ी एक तरफ खड़ी वॉचिंग द मिंटा द मिंटा वो उस मिंटा को देख रही थी टॉक्ड विथ दैम जो अपने रिश्तेदारों के साथ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था एंड आंसर देर रहा क्वेश्चन और उनके सवालों के जवाब दे रहा था मिंटा खुद हैरान थी अपने ऊपर और ऐसा लगता था कि ये वो मिनटा है ही नहीं है बल्कि साइड पे खड़ी होकर वो उस मिनटा को देख रही थी जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी चेंज हो जाएगी कि वो बात कर सकेगी उनके सवाल के जवाब दे रही वो ख़ुद अपने ऊपर हैरान हैरत, हैरत ज़दा हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिनटा है ही नहीं बल्कि जो पुरानी मिनटा है वो इस नई मिनटा को किनारों पर साइड पर खड़े होकर देख रही है एज इफ हर हार्ट वर इन जैसा कि उसका दिल बंद है इन शेल ए होल के अंदर दैट इट फ्रॉम ब्रेकिंग जो उसे टूटने से बचा रहा है जो उसे रेजा रेजा होने से बचा रहा है उसे लगता था कि उसका दिल टूट जाएगा लेकिन बस उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके दिल के इर्द गिर्द कोई होल है वो अब उसका दिल होल में बंद है जिसकी वजह से वो टूटने से बच रहा है लुक एट द यूज ऑफ वर एज हर हार्ट वर In this short story, mein, Zoe Sherburn has used this "were" frequently. Heart is a singular noun and we expect the use of was after heart. But look, look at it. You know, she has used as if her heart were, not as if her heart was. Kyun? Because here the writer is talking about a hypothetical situation. The writer is talking about an imaginary situation an unreal situation so when you are talking about an unreal situation then at that time you are going to you will have to use were instead of was even if the noun used before were is a singular so keep that in mind maslan if i were your brother i would kill you tumhe metumara kar deta. now clearly इट्स अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना तो वो भाई हो सकता है ना उसको कत्ल करेगा तो ये एक मफरूजे पे अपनी बात है मफरूजे पे अपनी एक सिचुएशन है तो लिहाजा उसके लिए ये लगाया जाता है वर और इसी तरीके से वो रिवायती जुमले हमें सिखाए जाते थे बचपन से काश में अमीर होता आई विश आई वर रिच आई के साथ वाज नहीं लगाया आई विश आई वॉज रिच ठीक है यह बचो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल जब कभी वैन यू आर टॉकोथेटिकल सिचुएशन don't use was use were and not just this let me tell you one thing more important uh, another important thing but i will discuss these things in detail when actually the colleges open and i would be able to teach inside the class in a physical setting let me tell you kids remember one thing give me your ears the past tense of a verb is not only used for describing the past situations i repeat typically we expect the second form of the verb the past tense of a verb to describe a situation that took place in the past remember kids that's not the only use of past you can also talk about hypothetical situations that have not ever taken place that have not even taken place they are just hypothetical they may happen in future but they have not taken place in the past they have not yet taken place. So you are going to use the past tense. Simple. So past tense, the second form of the verb, is not only used for the situation that took place in the past, they can also be, it can also be used for a situation that is hypothetical and that has never taken place. This is something that you need to keep in mind. फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मेहनत नहीं की और एग्जाम सर पे आ गए तो मैं इसे कह सकता हूं इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम लेकिन इट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये रियल नहीं है अगर तुम तो मेहनत करते तो पास हो जाते बट ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड तो इसलिए फॉर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन यू आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्क इफ यू वर्कड हार्ड ही डिड नॉट वर्क हार्ड So, this is a hypothetical situation. So, keep that in mind. So, whenever we are going to talk about hypothetical situation, we are going to use var instead of was. As if her heart were encased in a shell. Jaise like ki a, a hole That kept it from breaking. se She went to school. Wo school. school and came home afterwards. or wapas baad mein lot ke To the empty house. Us veeraan ghar

इवन विद द हेल्प ऑफ बावजूद मदद के ऑफ वेल मीनिंग फ्रेंड्स नकनीति वाले दोस्त भलाई रखने वाले दोस्त भलाई का इरादा रखने वाले दोस्त भलाई के लिए आपके साथ आने वाले दोस्त एंड नेबर्स और हमसायों के बावजूद उनकी मदद के इट वॉज हार्ड उसके लिए वो काम करने मुश्किल थे जो उसकी माँ ने पहले किए थे बच्चों वेल मीनिंग इसलिए लगाया जाता है कुछ लोग आते हैं वो उनकी नीयत जो है ना बाद कहा जाता है कि बंदा कहते हैं उनकी नीयत ठीक नहीं होती फर्ज किया भले के लिए नहीं आते बल्कि तंज के लिए आते हैं तो उनको उनकी बात तो समझ आती है लेकिन मेंटा के इर्द गिर्द वो दोस्त और वो रिश्तेदार भी थे जो सच्ची बात बताऊं भला करने के लिए आए थे उसके साथ उसके साथ हेल्प करने के लिए आए थे वेल well मीनिंग इस सेंस में इस्तेमाल हुए वेल well मीनिंग वो यार जो भलाई चाहते थे सीधी बात है। वेल well मीनिंग अच्छा मीनिंग लफ्ज़ी मतलब उनके उनका, उनके दिलों में जो बात थी मीनिंग था वो अच्छा था यार उसकी मदद करना चाहते थे नेक पे पर थे वो ठीक है और वो भी आए अपनी तरफ से वो भला करने वाले दोस्त थे भला करने वाले हमसाए थे वो भी आया लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना उनकी मदद के बावजूद भी उसके लिए वो काम करने मुश्किल थे जो उसकी माँ करती रही शी ट्राई टू है शी ट्राइड नाट टू हैट द पीपल शी ट्राइड वो कोशिश कर रही थी नॉट टू हेट कि वो नफ़रत ना करे द पीपल उन लोगों से हु अर्ज जो उसे जोर दे रहे थे जो उसे ताकीद कर रहे थे टू कराए कि वो रोए वो रो नहीं रही थी तो लोग उसे कह रहे थे रो 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 देखो रिलैक्स हो जाओगी तो उससे नफरत हो रही थी उन लोगों से जो जबरदस्ती उसको रुलाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि वो उन लोगों से नफरत ना करें जो उससे जो है ना ये कह रहे हैं कि भाई तुम रो यू विल फील बेटर डियर बेटा डियर तुम अच्छा महसूस करोगी तुम रिलैक्स हो जाओगी हर आंट ग्रेस हैड इंसिस्टेड उसकी जो आंट aunt थी आंटी थी ग्रेस उसने इसरार किया एंड देन और फिर हैड लिफ्टेड हर हैंडकरचिफ उसने अपना रुमाल भी ऊपर उठाया टू हर आइस उसकी आंखों की तरफ कि रो या रुमाल ले लो एंड वॉकड अवे और वो भी फिर चली गई मुंह फेर के वेन मिंटा जब मिट्टा हैड ओनली स्टेड एट हर वो बस उस उसको घूरती रही अपनी आंटी को विथ चिलिंग इन डिफ्रेंस इंतहा दर्जे की लापरवाही बेअनाई के साथ डिफरेंस लापरवाही एतनाई मेंटा ने इतनी बेअतनाई बरती कि वो जो उसको कह रही थी आंटी कि रो हां ये रो ले लो तो ये उसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया मेंटा ने आंटी की तरफ तो वो भी जो है ना उसने रुख फहरा चली कि उसने कहा इस पर असर ही नहीं हो रहा किसी बात का चिलिंग का असि मतलब होता है ठंडा ठंडा कर देने वाला इन लापरवाही किसी किसी की परवाह ही ना करना किसी की फिक्री ना करना बे तो उसने इतनी ठंडी बेअतनाई के साथ उसको घूरा कि वो भी जो है ना मुंह फेर के रुख फेर के चली गई शी ओवर हर्ड talking टॉकिंग अबाउट हर मदर उसने सुना लोगों को उसकी माँ के बारे में बातें कर रहे थे Overheard जब बंदा इरादाता ना सुने वैसी कानों में आवाज़ पड़ जाए उसको ओवर कहते हैं शी ने नू डेटी दे आस्ट उन सबने पूछा कि उसको कभी भी ये मालूम नहीं हुआ डिटशी हाँ ना उसको कभी भी ये मालूम नहीं है कि वो बीमार थी एंड ऑलवेज मिट्टा फादर आंसर्ड और हमेशा मिंटा के अबू ये जवाब देते नो शी नेवर न्यू नहीं उनको कभी भी ये खबर नहीं थी मिंटा की माँ को वो बीमार है मरने वाली है इवन बीमार तो थी लेकिन मरने वाली है उसको नहीं नहीं खबर थी Even इवन एट द वेरी लास्ट इवन at the very last, last आखिर दम तक आखिर तक उसे नहीं मालूम था कि मरने वाली है When she was waiting for the ambulance, जब वो ambulance का इंतजार कर रही थी to come उसे ले जाने के लिए शी लोकट अराउंड द बेडरूम उसने खाबगा की तरफ बेडरूम की तरफ नजर दौड़ाई इर्द गिर्द नजर दौड़ाई एंड said उसने कहा आई मस्ट आई मस्ट गेट दीज curtains डन अप बिफोर क्रिसमस Minter की माँ ने क्या कहा जब वो हद जब एम्बुलेंस भी आ रही थी उसे ले जाने के लिए आई मस्ट मुझे लाजमन गेट दीज कर इन पर्दों को डन अप इनका काम खत्म करना है मुझे लाजमन अब इन पर्दों का काम खत्म करना है बिफोर क्रिसमस क्रिसमस से पहले यानी उसे नहीं पता था कि वो मरने वाली है उसने पर्दों को देख के ये बात कही थी तो प्लानिंग कर रही थी फ्यूचर की मिनटन यू दैट हर फादर वॉज वरीड अबाउट हार मिटा को मालूम था कि उसके अबू उसके बारे में बहुत परेशान थे ठीक है किसके बारे में मिन्टा के बारे में मिनटा न्यू दैट हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मिनटा को मालूम था कि उसके अबू उसके बारे में बहुत परेशान थे एंड शी वाज सॉरी और उसे दुख हो रहा था उसे अफसोस आ रहा था वो परेशान हो रही थी अपने अबू के लिए मतलब वो उसको अपने अब अफसोस हो रहा था वो वो बेचारी कह रही थी अबू मेरी वजह से इतने ज़्यादा फिक्रमंदे बट इट वॉज एज इफ देर देर वर फिर वर आ गए बच्चों वह जाए देर वॉज अ वॉल देर वारॉल लिखे हुए बट बट इट वॉज एज इफ लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे है देर वॉज देर वारीवार है बिटवीन दैम उनके दरम्यान बाप और बेटी के दरम्यान जैसे कोई दीवार हायल हो गई हो असी दीवार देट वॉज टू देट शी वॉज टू टायर टू सरवाउ ऐसी दीवार तो, तो, ता, तो तो जिसको फलांगने के लिए वो बहुत थकी हुई थी वो इतनी थकी हुई थी कि उस दीवार को फलांग नहीं सकती मेटाफोरिकली स्पीकिंग मेटाफॉरिकली फिगरेटिवली स्पीकिंग इट्स नॉट लिटरली ट्रू क्योंकि दीवार उनके दरमियान दीवार थी और वो इतनी थकी हुई थी कि उस दीवार को फलांग नहीं सकती थी कहने का मतलब ये बाप बेटी के दरमियान जो है ना गुफ्तु नहीं हो रही थी बाप परेशान था बेटी के लिए और बेटी से भी बाप के बारे में बात नहीं हो रही थी वो डिस्कस ही कुछ नहीं कर पा रहे थे एक अजीब सा फासला सा आ गया था दोनों दुखी थे अपनी अपनी जगह तो मिनटा कहती है बस वो इतनी थकी हुई थी अंदर से टूटी हुई थी अपनी माँ की डेथ की वजह से कि वो जो बाप और बेटी के दरमियान उसके और बेटी उसके और जो उसके अबू के दरमियान जो दीवार हायल हो गई थी फ़ासला सा आ गया था उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अबू से जाकर बात करे उनको रिलैक्स करे बस वो टूटी हुई थी अंदर से वन नाइट शी केम टू द डोर ऑफ हर रूम वन नाइट ही केम टू द डोर ऑफ हर रूम एक रात को उसके अबू उसके कमरे के दरवाजे तक आए वेर शीवर स्टडी जहां पे वो पढ़ रही थी आई वंडर ई शुड लाइक टू गो थ्रू दोज क्लोथ्स फॉर योर ऑनट ग्रेस टैक्स टेम टू द चर्च पसार ही बी गैन हॉल्टिंगली आई वंडर बचो दिस वंडर मीन हैरान होना आई वंडर मैं सोच रहा था सरप्राइज़ का मतलब होता है रान होना अनएक्सपेक्टेड थिंग ठीक है दिस वंडर डजन मीन अनएक्सपेक्टेड वो चीज जो आपको फिक्र में डाल दें बेसिकली इसका मतलब यह होता है आई वंडर मैं सोच रहा था इफ यूड लाइक टू गो थ्रू दोज क्लोथ्स क्या तुम उन कपड़ों को देखना पसंद करोगी गो थ्रू लफसी मतलब तो ये है मेरे से गुजरना यानी क्या तुम उन कपड़ों को देखना पसंद करोगी वेर शी बिफोर योर ऑन ग्रेस टैक्स them टू द चर्च बाज़ार इससे पहले कि तुम्हारी आंटी ग्रेस आएँ और वो उनको चर्च बाज़ार को लेकर चली जाए चर्च बाज़ार बच्चों ये रवायत रही है christianity क्रिस्ट, में और रवायत ना ऐसा होता था कि जो बंदा मर जाए तो उसके कपड़ों को चर्च बाज़ार वाले आकर ले जाते हैं रिश्तेदार जाकर उधर दे देते हैं और जो कोई और गरीब लोग होते हैं तो उस चर्च बाज़ार से सर को ख़ास करके वो अपने लिए वो कपड़े ले, ले लेते हैं गरीब लोग वहाँ से उसने कहा तुम्हारी अम्मी मर गई हैं क्या देखो मतलब उनके कपड़े इससे पहले कि वो ले जाएं, तो तुम ऐसा करो कपड़ों को जरा देख लो जो तुम्हें तो पसंद है रख लो जो तुम तो रखना चाहती हो बाकी वरना वो जो है ना ऑन ग्रेस आएंगी वो ले जाएंगी ही गैन हॉल्टिंगली मिन्टा के अबू ने ही विगैन बात शुरू की हॉल्टिंगली हिचकिचाहट के, के साथ रुक रुक के एंड देन शी लुकड अप एट हिम और फिर उसने अपनी अपना रुख उसकी तरफ किया उसको मुड़ के देखा नॉट अंडरस्टैंडिंग और उसे वो समझ ना पाई कि वो क्या कह रहा है अबू ही वॉन्ट वेंट ऑन जेंटली तो उसने अपनी बात जारी रखी आहिस्तगी के साथ योर मदर्स क्लोथ्स बेटा तुम्हारी अम्मी के कपड़े वी थॉट सम माइट एज वेल गेट सम गुड आउट ऑफ देम हमने सोचा है कि किसी और बंदे का भला हो जाए कोई फ़ायदा हो जाए उन कपड़ों से वी थाट हमने सोचा सम वन के कोई ना कोई माइट एज वेल वो भी गेट सम गुड वो भला फायदा ले ले आउट ऑफ देम उन कपड़ों में से ही स्टूड अप वो खड़ी हुई क्लोजड बुक किताब बंद की एंड वेन पास टेम और उनके पास से गुजर कर चली गई विदाउट अनदर वर्ड एक भी लफ्स मजीद कहे बगैर बट शी क्लोजड डोर बहाइंड हर लेकिन उन्होंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिए जब वह अपनी अम्मी के कमरे में गई वेंट शी वेंट इन टू हर मदर्स रूम जब वो अपनी अम्मी के कमरे में गए देर आर समे कुछ कपड़ों के डब्बे थे बाय द क्लोज डोर कपड़ों की अलमारी के पास क्लोज वॉर्ड्रोब टाइप चीज कपड़ों की अलमारी के पास कुछ कपड़ों के डब्बे थे एंड मिंटा वेगली रिमेम्बर्ड और मिन्टा को हल्का हल्का याद पड़ता था वेग कल से मतलब होता है मुभम गैर वाजें मेंटा वेगली रिमेम्बर्ड मेंटा को हल्का हल्का याद पड़ता था डेट वेमेन फ्रॉम द चर्च बाजार फ्रॉम द चर्च बाजार कमेटी के कुछ औरतें थी वो यानी ये बाजार से मेरा चर्च बाजार कुछ औरतें थी जिन्होंने चर्च बाजार कमेटी से जिनका ताल्लक था उन्होंने कॉल्ड सेवरल टाइम्स उन्होंने मेंटा की अम्मी की डेथ के बाद कई मरतबा कॉल की थी कपड़ों के लिए हर हैंड्स फेल्ट स्लाइटली अनस्टी हर हैंड्स मिंटा के हाथ फेल्ट उन्होंने महसूस किया स्लाइटली हल्का सा अनस्टेडी कमजोर वो मिंटा के हाथ जो थे उसने महसूस किया कि वो हल्के से ढीले पड़ गए कमजोर हो गए हैं ऐसी फुल्ड ओपन जो ही उसने खींच के खोला द टॉप ड्रेसर ड्रॉर द टॉप ऊपर वाला ड्रेसर कपड़ों का ड्रॉर दराज वो जो ऊपर वाला कपड़ों का दराज था जब उसने खींच के खोला अपनी तरफ खींचा तो उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए एंड लुक डाउन और मेंटा ने देखा नीचे एट द स्टैक्स वो जो ढेरियां लगी हुई थी ऑफ क्लीन हैंडकरचेस साफ सुथरे रोमालों की द स्टॉकिंग्स और बड़े बड़े मोजों की वो जो थाइस तक आते हैं गोरे पहनते हैं इन देर क्विल्टेड फीमेल पहनती हैं द वो जो मोजे थे इन देर क्विल्टेड सेटन कैस वोजे किस में थे क्विल्टेड लिपटे हुए सेटन कैस महमल के डब्बे में महमल का डब्बा था महमल नहीं बदले अतलस कहते हैं इसको सेटन अतलस अलफ तोए लाम सीन वो अतलस में लिपटे हुए अतलस कपड़े को कहते हैं किस्म का रेशमी कपड़ा होता है जो जो सॉफ्ट सा होता है ब्राइट सा होता है वो जो हैंकर जो स्टॉकिंग्स थी था इस तक जो मोजे होते हैं वो सारे के सारे किस में रखे हुए थे क्विल्टेड लपेटे हुए सेटन, अतलस के कपड़े के कैस डब्बे में वो लोहे का डब्बा होगा जो कि जिसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था ग्लव्स और जो दस्ताने थे फोल्डेड वो भी तय किए हुए थे इंटू टिशी टिशू रैपिंग्स टिश्यू के टिश्यू पेपर जो होता है उसके कागजों में उसकी जो है ना रैपिंग रैप का मतलब भी होता है लपेटना, उसमें रखे हुए थे बच्चों ये सेटन कैस क्विल्टेड, क्विल्ट, Quilt, आपको पता है रज़ाई को कहते हैं और रज़ाई को भी इसलिए कहते हैं कि रज़ाई के अंदर कॉटन होती है और ऊपर से जो है ना उसको दोनों तरफ से वो कवर कर देते हैं और इसी तरीके से अगर कोई सी डब्बे के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया जाए अंदर और बाहर से उसको भी फिर हम क्विल्टेड कहेंगे और सैटन लेट पीछे यू सैटन ये बच्चों ड्रॉर्स हैं ठीक है ये ड्रेसर है ये क्लॉज है जिनके द्रास खींच के कपड़े निकालीजिए कपड़ों के लिए होते हैं आमतौर पर यह कपड़ों के लिए रखे जाते हैं ये बच्चों, सेटन है अतलस ठीक है ये सॉफ्ट सा कपड़ा होता है बड़ा इसकी ब्राइटनेस होती है इसके अंदर और ये अमूमन इसके लिए, लिए इस्तेमाल होता है कवरिंग्स के लिए ओके उसके बाद बच्चों, आई कैन डू इट शी टोल्ड हर सेल्फ जो वो अपने अम्मी के कपड़ों को देख रही थी उसके रुमालों को देख रही दे थी स्टॉकिंग्स को देख रही थी अपनी अम्मी के दस्तानों को देख रही थी जो तय किए हुए थे तो उससे रहा ना गया उस जज्बात उसके उमड़ आए और उसने अपने आप से कहा आई कैन डू इट मैं मुझसे ये नहीं होएगा मुझसे ये नहीं होगा शी टोल हर्सेल्फ उसने अपने आप से बात करते हुए कहा बट शी गॉट अ पाक्स लेकिन उसने एक डब्बा निकाला एंड स्टार्टेड फुटिंग द थिंग्स इन टू इट और उसमें सारी चीज़ें डालनी शुरू कर दी ट्राइंग नॉट टू तो लो करते हैं और वो रो कोशिश कर रही थी कि उनकी अपनी अम्मी के कपड़ों को ना देखें ट्राई टू तो फर गेट और वो भूलने की कोशिश कर रही थी हाउ डिलइटेड कितनी खुश रंग कितनी खूबसूरत हर मदर हैड बिन वो लगती थी उसकी माँ लगती थी विद द पेल वो जो पीलाहट माइल ग्रीन सब्ज रंग की स्लिप लूज कुर्ते में ट्राइंग नॉट टू रिमेम्बर और वो कोशिश कर रही थी कि वो याद ना करे स्लिप लूज़ कुर्ता गोरे हास कर की गोरियाँ पहनती हैं लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ इट दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्लिप दैट्स कॉल्ड एज ए स्लिप लूज स्लिप सो तो उसने कोशिश की कि वो जल्दी जल्दी में उन सब कुछ डाले और उसकी माँ को उसे स्लिप नजर आ गई ग्रीन पेल जिनमें वो जिसमें बहुत खूबसूरत नज़र आती थी और बस उसने कहा जल्दी जल्दी में ये पेल ग्रीन थी सब्ज रंग की लेकिन उसमें थोड़ी सी ज्यादा टच थी उसने उसको फौरन रखने की कोशिश की वंस ही हेजिटेटेड एक वर्तवा तो वो हिचकिचाई एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड और तकरीबन उसने उठाए उठा लिया अ सॉफ्ट वल स्वेटर एक सॉफ्ट सा नरम सा उनका बना हुआ स्वेटर फ्रॉम द पायल उस ढेर से देट वॉज ग्रोइंग इन दूट बॉक्स जो जो है ना अब उस सूट पॉक्स में बढ़ता जा रहा था वो चीज़ें डालती जा रही थी वो बढ़ता जा रहा था वो जरा उभरा हुआ था उसमें स्वेटर तो उसने उसको उठा लिया शी हैड बोरडेट सो ऑफन वो उसकी माँ का था और मिन्टा अपनी माँ से वो मुस्तार उधार मुस्तार लेती थी उसको शी हेड बोरोट वो मुस्तार लेती थी इस, इस, इस स्वेटर को अपनी माँ से सो so ऑफन इतना ज्यादा अक्सर औकात दैट हर मदर यूज टू कंप्लेन उसकी माँ शिकायत किया करती थी यूज टू किया करती थी दैट हर मदर यूज टू कंप्लेन कि उसकी माँ शिकायत किया करती थी दैट शी फेल्ट लाइक अ क्रिमिनल कि वो ऐसा महसूस करती है जैसे कि वो बहुत बड़ी मुजरम है उसकी माँ एवरी टाइम शी इट बैक अगेन हर मरतबा जब मिनटा उससे दोबारा उधार उस्तार लेती थी क्यों बेटी ने एक मरतबा लिया माँ ने फिर वापस उससे इस्तेमाल के बाद ले लिया स्वेटर फिर उसके बाद दोबारा उसे ज़रूरत पड़ा तो वो दोबारा मांगती थी तो मिंडा की माँ कहती थी जब तो दोबारा इस स्वेटर को मुझसे उधार लेती हो ना मुस्तार पहनने के लिए लेती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे मैं बहुत बड़ी मुजरम हूँ क्यों माँ से बेटियाँ मुस्तार नहीं लेती उधार नहीं लेती बस माँ बाप से जो चीज़ ले ली वो नहीं की हो जाती है लेकिन फिर भी औलाद की हो जाती है कहने का मतलब है लेकिन फिर भी वो ये कहा करती थी कि तुमने ये स्वेटर मुझसे इतनी मरत उधार लिया है वो शिकायत करती थी कि शी फैट लाइक अ क्रिमिनल कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो है ना मुजरम हूँ एवरी टाइम शी बॉर इट पैक अगेन जब वो दोबारा उससे मुस्तार लेती थी वो शी एंड मीन इट तो अगरचे उसकी माँ का सच में ये मतलब नहीं था कहने का शी लव्ड हर थिंग्स उसकी माँ को अच्छा लगता था जब मिंटा उससे चीज़ें इस्तेमाल के लिए मुस्तार लेती थी मिट्टा पुट द स्वेटर विद अदर थिंग्स मिट्टा ने स्वेटर को बाकी चीज़ों के साथ रख लिया एंड क्लोज द बॉक्स फर्मली और डब्बे को मजबूती के साथ बंद कर लिया ना थिंग्स इन द क्लॉज और अब वो जो कपड़ों की अलमारी है उसमें जो चीज़ें हैं चलें देखते हैं उसको ओपनिंग द डोर वॉज ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग हर मदर इन द रूम बिसाइड हर जब उसने अलमारी कपड़ों वाली अलमारी क्लॉज उसको खोलने की कोशिश की ओपनिंग द डोर उसके दरवाजे को खोलना वॉज ऑलमोस्ट लाइक वो बिल्कुल ऐसा ही था तकरीबन लाइक फीलिंग हर मदर कि जैसे वो अपनी माँ को महसूस कर रही थी कि वो इन द रूम भी साइड हर वो उसके साथ दरवाजे में खड़ी है वो उसके साथ खड़ी है उस कमरे में अ फेंट परफ्यूम एक हल्की सी फेंट हल्की सी परफ्यूम खुशबू क्लंग लगी हुई थी लफसे में तो चिमटी हुई क्लेंग से है क्लंग टू मोस्ट ऑफ आर गार्मेंट्स उसके ज़्यादा जो कपड़े थे मिंटा की माँ के उसके साथ हल्की सी उसकी परफ्यूम आती थी इसकी माँ की द हाउस कोट मैंने इसकी तस्वीर आपको दिखाई हुई है वो जो हाउस कोट था द वोली रॉब और वो जो ऊन का बना हुआ चोहा था जुब्बा था द ट पोलो कोट पोलो कोट मैंने आपको दिखा दिया टैन का मतलब है जर्दी माइल पीलाहट वाला ब्राउन ठीक है कोट स्कारलेट जैकेट और सुर्ख रंग की जैकेट थी हर न्यू ब्लू वो और उसकी जो नई सुरख सॉरी नीली जो ऊनी ऊन उन थी विद द पैग टॉप स्कर्ट पैग टॉप स्कर्ट और उसकी जो स्कर्ट थी पैग टॉप जो ऊपर से बंद थी स्कर्ट्स आप जानते हैं यूरोप में लड़कियां पहनती हैं पैग टॉप स्कर्ट्स कौन सी होती है पैग jo upar se ho usko top skirt let me show you the picture of pack top skirt this is pack top skirt see it's a skirt in the bottom in the middle you can see that it's it's actually wide But on the both sides it is closed up and at the top you can see that it's clearly closed up very tight that's called as pack top skirt <coughs> तो उसने ये सारी चीजें देखी फिर क्या हुआ लेट्स रीड आउट मेंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स विद ऑलमोस्ट फ्रेंटिक हेस्ट उसको अपनी मम्मी की याद आ रही थी तो इसलिए उसने मेंटा स्टार्टेड मेंटा शुरू हो गई फोल्डिंग द थिंग्स चीजों को तय करना विद ऑलमोस्ट तकरीबन फ्रेंटिक हेस्ट पागलों जैसी तेज़ी के साथ स्टफिंग वेम इन टू बॉक्सेस और वो उनको डब्बों में ठोसती जा रही थी अम्मी की चीज़ों को क्रैमिंग द लिड्स और ऊपर ज़बरदस्ती डब्बों के जो है कवर्स हैं लिड्स वो ऊपर क्रैमिंग जोर लगा के ज़बरदस्ती उनको बंद करती जा रही थी एंड देन स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स एक को बंद करती दूसरे में चीजें डाल के उसका डबल बन करके फिर तीसरे पे इस तरह शुरू हो जाती एट द वेरी बैक ऑफ द क्लॉज कपड़ों वाली अलमारी के वार्ड के बहुत पीछे देर आर टू पीसेस ऑफ मैच लगेज वहां पे सामान के दो कुछ टुकड़े से मतलब सामान पड़ा हुआ था दो और दोनों आपस में मिलते जुलते थे देट हैड बिन हर मदर इज लास्ट बर्थडे गिफ्ट जो उसकी माँ का आखिरी बर्थडे का तोहफा था वो उसके माँ के बर्थडे के तहफे थे फ्राम हर ग्रैंड फादर फ्राम हर फादर उसके बाप की तरफ से यानी माँ के बाप की तरफ से नाना की तरफ से तोहफे थे देअर हैवी वो बहुत भारी थे जो भी पत्नी लग रही था सामान था उनके अंदर जो भी था देवर हैवी वो बहुत भारी थे वैन शी ट्राई टू मूव दैम जब उसने उनको खींचने की कोशिश की टू हैवी वो बहुत भारी थी शी ब्रॉड दैम आउट इं टू द रूम उसने खींच के जो है ना उनको वो कमरे के दरम्या में ले आई एंड फुट दैम साइड बाई साइड हर हरमदरस पैट और उनको साथ साथ दोनों को वो बड़े कोई डबे होंगे कोई चीज उसको उन्होंने अपनी मां के बेड पे साथ साथ करके रख दिया हर ब्रेथ काट इन हर थ्रोट मेंटा का मिंटा की जो सांस थी काट अटक के रह गई इन हर थ्रोट उसके हलक में उसके गले में मैं शी ओपन देम जब उसने वो डब्बे खोले डजन्स एंड डजन्स ऑफ बॉक्सेस उनके अंदर दर्जनों दर्जनों डन जो ना छोटे छोटे डब्बे रखे हुए थे ऑल टाइड और वो सारे के सारे बदे हुए थे विद ब्राइट वही रोशन शौक किस्म के रेड रिबन फीतों के साथ द गिफ्ट टैग्स और उनके ऊपर छोटे छोटे कार्ड्स थे गिफ्ट टैग्स जिनको हम कहते हैं गिफ्ट लेबल्स जो गिफ्ट देते थे, थे तो उसके ऊपर कोई ना कोई बंदा कार्ड छोटा सा छोटा सा कार्ड होते लगा लेते द गिफ्ट टैग्स और उनके साथ तोहफों के वो टैग्स लेबल्स लगे हुए थे कार्ड्स लगे हुए थे रिटन आउट जिनके ऊपर लिखा गया था इन हर मदर्स उसकी मां की केयरफो मोहतात स्क्रिप्ट लिखाई में गेली कलर्ड क्रिसमस स्टिकर्स और उनके ऊपर गेली रंग किस्म के गेली कलर्ड रंग किस्म के क्रिसमस स्टिकर्स क्रिसमस के स्टिकर्स लगे हुए थे स्प्रिग्स ऑफ होली और होली एक पौधा होता है सा होता है उसकी शाखें वो क्रिसमस में यूज़ की जाती हैं तोहफों के साथ भी लगाई जाती है वैसे भी स्प्रिग्स ऑफ होली और होली की शाखें लगी हुई थी उन उनके ऊपर और के ऊपर क्या लिखा हुआ था टू मिन्टा फ्रॉम मदर लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिग्स ऑफ होली ये बच्चों स्प्रिग्स ऑफ होली इस तरह लगाए होते हैं ऊपर से ये छोटी छोटी शाखें होती हैं और वो बाकायदा लगाई जाती हैं क्रिसमस में ये इसको बहुत ज़्यादा तोहफों के ऊपर वैसे भी घरों में लगाए जाते हैं स्प्रिग्स ऑफ होली और उसके ऊपर टेनिया थी किसकी होली पौधे की टू मेंटा फ्रॉम मदर एंड डैड और उन डब्बों के ऊपर गिफ्ट कार्ड्स जो थे उनके ऊपर लिखा हुआ था टू मेंटा मिन्टा के लिए फ्रॉम मदर एंड डैड माँ और अबू की तरफ से माँ और बाप की तरफ से टू ग्रेस फ्रॉम मार्टी ग्रेस के लिए माटी की तरफ से फ्रॉम जॉन टू जॉन फ्रॉम मेरी जॉन के लिए मेरी की तरफ से ठीक है मतलब ये सब उसकी तरफ से थे ठीक है और टू कैली कैली ग्रैमलन्स फ्रॉम आंट मैरी वो जो हम थे उनके बच्चों के लिए उनके लिए आंट मेरी की तरफ से मेरी नाम था मिन्टा की माँ का टू अंकल आर्ट और अंकल आर्ट के लिए फ्रॉम होली फैमिली यानी मेरी होली और जॉन होली फैमिली पूरी का नाम था मिंटा हॉली नाम थे हॉली फैमिली की तरफ से सब गिफ्ट तैयार पड़े हुए थे सब के ऊपर रिबन लगे हुए थे कार्ड लगे हुए थे इसकी माँ ने अपने हाथों से सब कुछ लिखा हुआ था सो यू न्यू मिंटा विस्पर्ट दर्ड यू न्यू ऑल अलोंग मिंटा दर्ड्स मिनटन है अल्फाजर सरगोशी में सरगोशी करते हुए अल्फाज निकाले इतने ही धीमी आवाज़ में अल्फाज निकाले जैसे वह सरगोशी कर रही थी अपनी माँ को मुखातब करके कहती है सो यू न्यू अच्छा तो हमीद आपको सब कुछ पता था यू न्यू ऑल अलोंग यू न्यू ऑल द टाइम आपको ये सारा वक्त मालूम था कि आप बीमार हैं और आप मर जाएंगी और आपने ये सारे गिफ्ट पहले से तैयार करके रखे हुए थे कि क्रिसमस में आप नहीं होंगी तो इन गिफ्ट्स को जो है ना सबके लिए होगा शी लुक डाउन इन सरप्राइज उसने नीचे देखा हैरत के आलम में एज अ हॉट टीयर और एन उस वक्त गर्म आंसू ड्रॉफ्ट ऑन हर हैंड उसके हाथ पे आ लगा एंड शी डैश इट ऑलमोस्ट इम्पैशली और उसने अपने हाथ को झटका उस आंसू को झटका ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली अपने हाथ को झटका तकरीबन बेसब्री के साथ जू ही आंसू आग उस पर लगा हाथ फॉर झटका इसने शी पिक्ट अप अनदर पैकेज उसने एक और पैकेज उठाया एंड रेड द टैग और उसने टैग को पढ़ा उसके ऊपर जो कार्ड छोड़ा था टू मिनटा फ्रॉम मदर विद लव ये टाइटल है बच्चों इस लेसन का मिनटा के लिए माँ की तरफ से मोहब्बत के साथ विदाउट ओपनिंग इट इसको खोले बगैर शी न्यू उसे मालूम था वो जानती थी इट वॉज अ पिक्चर फ्रेम ये तस्वीर की फ्रेम है एंड शी रिमेंबर्ड और उसे याद है उसे याद आया द वै शी टीज्ड हर मदर कि वो कैसे अपनी माँ को तंग किया करती थी टू हैव अ गुड फोटोग्राफ टेकन कि अम्मी कोई अच्छी सी तस्वीर अपनी निकाल लें प्लीज़ आप अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर निकलवा लें और अपनी माँ को तंग करती रहती थी द ऑनली वन आई हैव ऑफ यू लुक्स लाइक अ फ्यूचरटिव फ्रॉम अ चैन गैंग अम्मी जो एक तस्वीर आपकी सिर्फ है ना जो मेरे पास है एक ही बस तस्वीर है जो है ना उसमें पता है आप कैसी लगती हैं यू लुक लाइक अ फ्यूचरटिव आप भगौड़ा लगती हैं भगौड़ी लगती हैं वो जो जेल से कैदी भाग जाते हैं उनको भगौड़ा कहते हैं अमीन जो आपकी एक तस्वीर मेरे पास है ना उसमें तो आप लगते हैं जैसे है जैसे भगोड़ी होती हैं फ्रॉम अ चैन गैंग चैन गैंग वो कैदी जिनका जिनसे जेल में काम लिया जाता है तो उनको ग्रुप्स की सूरत में गैंग्स की सूरत में उनके पाँव के साथ कदमों के साथ टाँगों के साथ जंजीरें बांधी जाती हैं तो ऐसा लगता है अम्मी जैसे आप वो जंजीरों के साथ बंधी हुई कैदी कैदियों में से एक भागी हुई भगोड़ी होती हैं आप उस तस्वीर में ऐसी लगती हैं तो प्लीज़ अपनी एक अम्मी अच्छी तस्वीर निकलवा लें शी हैड पॉइंटेड आउट वो इशारा करती थी उस तस्वीर की तरफ जो उसके पास थी आई कैन नॉट वेरी वेल गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर विद दैट मैं इस तस्वीर के साथ दैट आई कैन नॉट वेरी वेल गो अवे मैं नहीं जा सकती टू स्कूल स्कूल को नेक्स्ट ईयर अगले साल विद दैट इस तस्वीर के साथ मतलब ये कि वो अगले स्कूल अगले साल स्कूल को जाएगी फिर हॉस्टल में रहेगी वो डॉर्मेट्री में रहेगी तो वहाँ पर वो चाहती थी उसके कमरे में अपनी अम्मी की तस्वीर हो तो अम्मी को कहती है अम्मी मैं आपकी मेरे पास एक आपकी मेरे पास एक ही तस्वीर है और उसमें आप भगोड़ी लगती हैं जैसे बाकी कैदी होती हैं प्लीज़ अपनी अच्छी तस्वीर लगा मैं इस तस्वीर के साथ जो है ना मैं अगले साल स्कूल को नहीं जा सकती शी फुट द पैकेज बैक इन दूट कैश उसने वो सामान मुड़ के सूट कैश में रखा विद ऑल अदर्स बाकी सारे सामानों के साथ एंड कैरीड द दैसेज और वो डब्बों को उठा के ले गई बैक इन टू द क्लोज वापस कपड़ों की अलमारी में पुअर डैड, शी था उसने सोचा दिल ही दिल में पुअर डैड बेचारे अबू अबू को नहीं पता चला कि अम्मी को पता था कि वो बीमार थी हीने नेवर न्यू वो अबू का डायलॉग कोट कर रही है यहाँ पे हिने नेवर न्यू उन्हें नहीं मालूम था शी कुड ही वो उन्हें ये कहती हुए सुन सकती थी नॉट इवन एट द लास्ट आहर दम तक उसे नहीं पता था कि वो मरने वाली है ये बाप के अल्फाज उसे याद आ रहे हैं और कहती अबू को नहीं पता था कि अम्मी को पता है कि वो मरने वाली और अबू ये समझ रहे थे कि अम्मी को नहीं पता डॉक्टर ने उसे नहीं बताया मेंटा ओपन द बॉक्स मेंटा ने डब्बा खोला बिसाइड द बेड जो बेड के साथ था बिस्तर के साथ था एंड टुक आउट द स्वेटर और उसने स्वेटर निकाला एंड द पेल ग्रीन स्लिप और उसने वो जर्दी मायल ग्रीन लूज कुर्ता निकाला यू नो परफेक्टली वेल दैट यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी ही रिमेंबर्ड हर मदर सेंग उसे अपनी माँ के अल्फाज याद आए यू नो परफेक्टली वेल तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी कि तुम मिन्टा बिल्कुल मेरी तरह हो ही ब्रश्ड द टीयर्स अवे उसने अपनी आंख आंसू साफ किए वाउन द स्टेयर्स और वह सीढ़ियों से उतर कर नीचे गई आउट बाहर को इन टू द छस उस बैरौनक से वीरान से लिविंग रूम दीवान हाने में जिस कमरे में सारे बैठ के फैमिली वाले टीवी देखते हैं सारे इकट्ठे होते हैं उसको लिविंग रूम कहते हैं उर्दू में दीवान हाना कहते हैं उस दीवान हाने में गई बे से अम्मी के बगैर सारे घर में रौनक ख़त्म हुई हुई थी बैरौनक हुआ था सारा घर आई लाइक टू कीप दर दीज थिंग अबू मैं ये चीज़ें अपने पास रखना चाहूँगी कौन सी वही स्वेटर भी और पैल ग्रीन स्लिप अब वो ये चीज़ें मैं अपने पास रखना पसंद करूँगी शी सेड उसने कहा इन हर मोस्ट मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस उसने जज्बात से बिल्कुल खाली आवाज के साथ शोइंग नो इमोशंस बस सीधा सीधा फॉर्मली रस्मी तौर पर उसने पूछा, से कहा अबू मैं ये अपने पास रखना पसंद करूँगी वो जो बंदा जल्दी जल्दी कहता होता है ज़रा जज्बात शो नहीं किए एंड शी शोड हिम द स्वेटर एंड स्लिप और उसने अपने अबू को स्वेटर और स्लिप दिखाई द स्लिप इज़ उग अबू ये ज़रा बड़ी है स्लिप बट आई ग्रो इन टू इट लेकिन मैं बड़ी होकर इसमें फिट हो जाऊँगी मैं आ जाऊँगी इसमें इट इट लुक्स लाइक हर आई थिंक ये उसकी तरह लगती मेरी माँ की तरह लगती मेरे ख्याल में हीवेंट अराउंड द रूम वो कमरे में इर्द गिर्द गई स्नैपिंग ऑन द लैम्प्स और उसने बटन दबा के लैम्प ऑन किए कमरा बै सा था लैम्प नहीं लगे हुए थे स्नैप वो आवाज़ को कहते हैं जो इस आवाज़ को भी कहते हैं जब बंदा चुटकी बजाता है तो वही बटन दबा के जो आवाज़ आती है उसने लैम्प्स को ऑन किया टर्निंग ऑन द टेलीविजन और टेलीविजन भी उसने ऑन किया दैट हैड बिन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग जो इतने अरसे से खामोश था मी की डेथ के बाद ही वॉज़ अवेयर दैट हिज़ आईज़ फॉलोड हर उसे मिनटा को पता था कि वो लैंप ऑन कर रही है और वो टी वी लगा रही है वो जिधर जुदर जा रही है उसकी अबू की आँखें उसकी अबू की नज़रें उसका ताकुब कर रही हैं एंड दैट ही कोड हार्डली अवॉयड नोटसिंग द टीयर स्टैंड ऑन हर चीकस और ये भी कि ही कोड हार्डली अवॉइड कि वो बच नहीं सकता था नोटसिंग देखने से द टीयर आंसुओं के स्टैंड जो निशाना थे बाक़ियात थे उन हर चीक्स उसकी उसके गालों पे अपनी बेटी की गालों पे जो आंसुओं की थोड़ी सी नमी रह गई थी वो उसको देखे बगैर नहीं रह सकता था मतलब उसे नज़र आ गया वो आई थिंक आई हैव एन एपो शी सैड मेरे ख़्याल में मैं सेब खाना पसंद करूँगी ये अम्मी उसकी खाया करती थी ना ठीक है शी सैड वॉन्ट वन अबू आपको भी चाहिए सेब ही नोडेड उसने सारे लाया श्योर बिल्कुल ब्रिंग मी वन एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग द ट्रिप जब तक तुम इस तरह अंदर जाओ तो मेरे लिए एक ले आया करो ट्रिप किचन में जाना जहाँ से वो सेब निकालते इट वॉज ये एक फितरती सी बात थी इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ओल्ड टाइम ऐसे लगता था ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने वक्तों में था एक्सेप्ट दैट ब्रू चेयर सिवाय उस नीली कुर्सी के बाय द फायर प्लेस जो अंगीठी के पास थी वॉज वैकन्ट वो खाली थी बाकी सब कुछ वो ही था उसने अम्मी की जगह जिस अम्मी सैब खाया करती थी उसने सेब खाया अबू को भी ऑफर किया बाकी सब कुछ वो ही था सिर्फ उस अंगीठी के पास जो नीली कुर्सी थी वो खाली थी शी वेंट आउट इंटू दिचन हरी इडली वो वेंट आउट बाहर निकल गई इंटू द किचन और किचन की जनफ गई हरी इडली तेजी के साथ विल गेट हिम विल टेल हिम और दिल ही दिल में सोच रही थी आई टेल हिम कि मैं अपने अब को बताऊंगी दैट आई पेस्टर्ड मदर कि मैंने अम्मी को पेस्टर्ड बार बार कहकर तंग करना किस चीज़ का बार बार मुतालबा करके कर कर तंग करना विल टेल हिम मैं अबू को बताऊंगी डेट आई पेस्टेड मदर कि मैंने अबू अम्मी को बार बार कहकर मुतालबा करके तंग करके टू डू हर शॉपिंग अर्ली दिस ईयर कि अम्मी इस साल जो शॉपिंग है वो पहले करे क्रिसमस की कहती है अबू मैं अब मैंने वो मिनतः ये सोच रही थी कि अबू को ना पता हो कि अम्मी को पता था कि वो मर रही हैं क्योंकि अबू तो अबू ने मेंटा को यही बताया था बाबा ने मेंटा को यही बताया था कि मेंटा तुम्हारी अम्मी को नहीं पता और तुम्हें बताना भी नहीं तो अब मेंटा को मालूम हो गया कि अम्मी को तो पता था उसने इन दोनों से छुपाया हुआ था बेटी से भी और अपने हसबेंड से भी मेंटा के अबू से भी तो अब वो ये नहीं चाहती थी कि अब उसके मरने के बाद मिन्टा की अम्मी के मरने के बाद मिनटे के अबू को ये पता हो कि मिनटे की अम्मी को पता था कि वो बीमार है और वो मरने वाली है इसलिए उसने सारे गिफ्ट तैयार कर लिए थे पहले से इसने क्या सोचा आई विल टेल हिम मैं अपने अब को बताऊंगी दैट आई फेस्टड मदर के मैंने अम्मी को बार बार कह के, के तंग कर किया था कि टू डू हर शॉपिंग अर्ली दिस ईयर कि वो इस साल अपनी शॉपिंग पहले ही कर ले वैसे तो वो शॉपिंग आखिर नहीं करती थी शी टोल्ड हर सेल्फ उसने अपने आप को बताया शी गॉट द एप्पल्स जो ही उसने सेब निकाले फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर से I'll tell him that it was my idea. मैं अबू को बताऊँगी कि ये मेरा प्लान था अबाउट द फोटोग्राफ्स कि वो जो फोटोग्राफ्स अमी ने निकाले थे मुझे निशानी के तौर पर देने के लिए मरने से पहले वो भी मेरा आइडिया था मेरा मनसूबा था शी वॉन्ट हिम टू बिलीव दैट चिलो और मिनटा ये चाहती थी कि अबू का अबू यही बस सोचते रहें अबू को यही यकीन हो कि मेंटा की माँ को ये नहीं पता था कि वो मरने वाली आई होप यू आर फॉलोइंग मी किड्स द वायटामन पिल्स वर पुश्ड बैक ऑन अ शेल्फ रेफ्रिजरेटर के अंदर द वायटामन पिल्स जो वाइटामिन की गोलियाँ थी वर पुश्ड बैक वो पीछे को धकेली हुई थी पीछे हुई हुई थी ऑन अ शेल्फ़ वही ताक के ऊपर वही जो शेल्फ बने होते हैं फ्रिज में शीठोक दैम आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर उसने उनको रेफ्रिजरेटर से निकाला एंड फुट दैम ऑन द विंडो सेल और उसने उनको खिड़की की दहलीज पर रख दिया वो जो खिड़की की प्लेन जगह होती है उसकी उसकी दहलीज पर रखती है. वेर शी वुड बी श्योर जहाँ पर उसे पूरा यकीन होगा टू तो सी दैम कि वो उनको देखेगी इन द morning सुबह तो वो जो माँ ने ड्यूटी लगाई थी कि अबू को वाइटामिन पेल ज़रूर देना तो उसने निकाल के बाहर रख कि मेरे रोज़ाना मेरी नज़र पड़ेगी उनके ऊपर मैं अबू को दिया करूँगी When she came back into the living room, जब वो दीवान हारे में वापस लौट के आई शी नोटिस तो उसने देखा देट आ लाइट इन अ क्रिसमस रीथ वॉज व ऑन एंड ऑफ़ कि क्रिसमस के वो जो हार सा होता है गुलदस्ता से होता है जो क्रिसमस का क्या कहते हैं उसको फूलों की चादर होती है जो रीथ क्रिसमस की जो फूलों की चादर होती है मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ वो उसके अंदर जो बत्तियाँ उसके अंदर एक बत्ती लगी हुई थी शी नोटस्ट उसने देखा डेट अ लाइट के एक बत्ती इन क्रिसमस रीत क्रिसमस की फूलों की चादर में वॉज विंकिंग ऑन एंड ऑफ वो चमक रही थी और वो बुझ रही थी ठीक है इन द केलीज विंडो अक्रॉस द स्ट्रीट केली की वो जो हमसाई थी उसकी खिड़की में सामने गली के पार आई गेस वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिसमस डैड मेरे ख्याल में अबू हमें अब क्रिसमस के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए ही टॉस्ट एन मैंने उसने अपने अबू की तरफ सेब फेंका एज ही एज ही स्पोक जब उस जब वो बात कर रही थी एंड ही कॉट इट डेफली और उसने उसके उसके अबू ने कॉट इट उस सेब को पकड़ लिया डेफ्टली महारत के साथ फिज़ा में फेंका कैच करने के लिए जिस तरह फेंकते होते हैं ने पकड़े ही हेजिटेटेड वो हिचकिचाई फॉर जस्ट अमोमेंट एक लम्हे के लिए सिर्फ एंड देन वॉक डॉवर और फिर मैं आगे, आगे को चल के गई एंड सेट डाउन और वह बैठ गई इन द ब्लू चेयर उस नीली कुर्सी में बाय द फायर आग के पास एज इफ शी बिलोंग देअर जैसा कि मिंटा की है जैसा कि मिंटा की जगह ही वो है शी बिलोंग देयर कि उसकी जगह ही वो है उसका ताल्लुक ही उधर का है एंड looked क्रॉस एट हर फादर और कुर्सी में बैठने के बाद उसने अपना रुख फेर के चेहरा फेर के अपने अब्बू की तरफ उस पार देखा एंड स्माइल और मुस्कुराई दैट्स इट किड्स दिस योट स्टोरी इज ओवर I hope you have enjoyed it. Just at the very end, let me show you a Christmas wreath. This is a Christmas wreath, and this is the picture of you know chain gang. Look, these are the prisoners in a jail, and all of them are chained at their boots. You can see the chain lying on the ground and tied to their boots and their ankles. It's chain gang. So, this was kids the story. I hope you enjoyed it. Thank you very much. Assalamu alaikum.